सब आज उन्होंने एक और बात की है, वो सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ से पहले कहा तो तहरीक इंसाफ ने कमिटमेंट दी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासी दर्जा हरारत लाने के लिए अंडरटेकिंग देंगे ताकि माहौल जरा साजगार हो इलेक्शन के लिए। हुकूमत की तरफ से कौन अंडरटेकिंग देगा? हुकूमत तैयार है अंडरटेकिंग देने के लिए? नहीं, उनकी तरफ से तरीके इंसाफ की तरफ से किससे अंडरटेकिंग हुई है? अली जफर साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ही अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है, देंगे। अब हुकूमत की तरफ से भी जब अदालत अंडरटेकिंग मांगेगी तो हुकूमत तैयार है देने के लिए? वजीर आजम देंगे? हम जो है बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। जो जो इमरान खान का जो रिकॉर्ड है उससे उसको मद्देनजर रखते तो उनकी अंडरटेकिंग की जो हमारे नजदीक तो कोई वैल्यू नहीं, कतई तौर पर कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने अंडरटेकिंग दी हो उसके बावजूद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आप पिछले 4-5 साल का उनका रिकॉर्ड उठा के लें, उन्होंने कौन सी एक बात ताजे में एक बात मुझे बता दें जिसके ऊपर 24 घंटे से ज्यादा खड़े रहे? एक बात मुझे बता दें, मैं 2 या 4 या 8 या 10 नहीं, एक बात जब से वो सियासत में आए हैं एक बात बता दें जिसके ऊपर खड़े रहे हैं। इतना बेतबारा शख्स है, आप चाहते हैं कि हम सारा पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर लगा दें? इट विल नॉट हैपन दैट, एब्सोल्युटली नॉट।